इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सम ऑफ एन टर्म्स का इंट्रोडक्शन भी हमने दिया और उस पर टेस्ट एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को मैंने बताया है। अब क्वेश्चन नंबर टू, 5.3 का क्वेश्चन नंबर टू, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में फाइंड द सम गिवन बिलो, फाइंड द सम अरिथमेटिक सीरीज दिया गया है, इन सभी का सम क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कि इस पूरे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू t का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें मेरा a क्या है, इसमें a है मेरा a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू a2 माइनस a1, या क्या हो जाएगा 10 होल 1 बाय 2 माइनस 7, 21 बाय 2 माइनस 7, LCM हो जाएगा 21 माइनस 14 इक्वल टू 7 बाय 2, डी मेरा है 7 बाय 2। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, तो TN इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। TN लास्ट टर्म मेरा क्या है 84, TN जो दिया गया है TN इक्वल टू 84, तो 80 वैल्यू पुट कर देंगे, a इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इनटू 7 बाय 2, इसको ले लेंगे 84 माइनस 7 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 7n माइनस 1 बाय 2, यह हो जाएगा 77 इक्वल टू 7n माइनस 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 77 इनटू 2 बाय 7 इक्वल टू n माइनस 1, यह हो गया 22 इक्वल टू n माइनस 1, 22 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 23। मतलब इस एपी में 23 टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल लिया 23। तो इसका सम क्या होगा, इसके सम को निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, ये हमने निकाल लिया है 23 बाय 2, a इज 7 एंड लास्ट टर्म एज 84, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
क्या हो जाएगा? सम इस एपी का सम जो होगा वह 1046 whole 1/2 ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से जहां यह अर्थमेटिक सीरीज के रूप में अगर लिखा हुआ रहेगा तो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में है, और जब नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा मेरे पास तब सम उसका हम लोग Sn equal to n by 2 a plus n से निकालेंगे, या Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into b से भी निकाला जा सकता है। अब इसी का एक क्वेश्चन मैं और आपको बताने जा रहा हूं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है -5 + -8 + -11 + 2 + 30। इसका सम निकालना है। अब इसमें मेरे पास क्या है, a equal to -5 and b equal to क्या a2 - a1, a2 मेरा क्या है -8, minus a1 क्या है -5, यह हो जाएगा -8 + 5 equal to -3, और मेरे पास tn equal to -230, या इसी को n भी कर सकते हैं n equal to -230। इतना चीज है मेरे पास। आप सबसे पहले tn निकालेंगे, tn equal to a plus n minus 1 into b, tn मेरा क्या है -230, a equal to -5 plus n minus 1, b क्या है -3, क्या हो जाएगा -230 equal to -5 plus minus minus 3 and minus minus plus 3 n को इस साइड ले लेंगे, 3 n equal to minus 5 plus 3 minus 2 plus 230, या इसको राइट साइड में ले लेंगे या हो जाएगा 230, इसलिए 3 n equal to क्या आ जाएगा 228, n equal to 228/3, n equal to 76। तो इस AP में 76 terms होंगे। अब इसका सम निकाल लेते हैं। Therefore, Sn equal to n by 2 a plus l, n क्या आया 76/2, a equal to -5 और n मेरा क्या है +-230, क्या हो जाएगा 38 -5 -5